दुनिया भर में आज मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद ए मिलाद के रूप में मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस्लाम के तीसरे महीने यानी मिलादुन नबी की शुरुआत हो चुकी है और ये त्यौहार रबीउल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर लोग उनकी याद में जुलूस निकालते हैं और बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। नोएडा के सेक्टर 9 स्थित हरौला गांव में भी मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जुलूस निकाला गया, साथ ही नाराए तदबीर और अल्लाहु अकबर जैसे नारों को बुलंद किया गया। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब के शहर मक्का में 571 ईस्वी में 12 तारीख को हुआ था। पैगंबर साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का और जब वो 6 साल के थे तो उनकी माँ का निधन हो गया था। अल्लाह के कुरान अता करने के बाद पैगंबर साहब ने पवित्र कुरान का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर घर और मस्जिदों को सजाया जाता है और मोहम्मद साहब के संदेशों को भी पढ़ा जाता है। मानवता का संदेश देने वाले हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर नोएडा में निकाले गए इस जुलूस में तनवीर हुसैन, शकील सैफी, साहिल चौधरी, शहजाद आलम, नदीम सैफी और मौलाना एहसान कादरी समेत समाज के कई प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। आज के दिन लोग गरीबों में दान भी करते हैं और ऐसी मान्यता है कि ईद मिलादुन नबी के दिन दान और जकात करने से अल्लाह खुश होते हैं। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।